यत्किंचित् वास्तु वस्तु प्रणवत कृतिनो ज्ञानतो ज्ञानतो वा श्री पूर्णानंद तीर्थामृत कण पवन स्पर्श धन्यम धरण्याम यत् संपर्काद अनर्हामिव हरिहरताम मन्यमाना महान्तः स्वान्तर्व्योमनि प्रशान्तं निरुपति विमलं ब्रह्मपूर्णं लभन्ते अभिनवनवनीतस्निग्धमासीतदुग्धं दधिकणपरिदिग्धं मुग्धमङ्गं मुरारे दिशतु भुवन कृच्छ्रच्छेदि तापिच्छगुच्छच्छवि नवसिखिपिच्छैरलाञ्छितं वाञ्छितं नः। आओ श्रीमद्भागवतामृत समर्पण में थोड़ा लहर का आनंद लें। पहले हम लोग जगन्नाथपुरी जाते, कई बार गए, तो वहां जाके क्या करना, तो बोले लहर लेना। तो ऊपर बड़ी दूर से लहर चली आ रही है, तो महाराज जानकार हो, सिर झुका दे, तब तो कोई चोट नहीं लगेगी, नहीं तो आगे बड़े जोर से लहर वो पटका देगी। तो ये भागवत जो है वो सुधा समुद्र है, इसमें लहरें उठती हैं। इसमें परब्रह्म परमात्मा का जैसा निरूपण है वो अन्यत्र दुर्लभ है। तो दो कथा तो ऐसी आई हैं, दो लीला ऐसी हैं कि श्री कृष्ण ने अपने भीतर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को दिखाया। ये है दूध पिलाते समय तृप्ति के लिए एक, और मुंह में से माटी उगलवाते समय मुंह खोल दिया। तो असल में आत्मा का स्वरूप यही है, यावान अयम बहिराकाश, ये बाहर जितना बड़ा आकाश है उतना ही बड़ा आकाश भीतर भी है। असल में बाहर और भीतर तो चमड़ी के ख्याल से होता है, वस्तु में तो कहीं बाहर भीतर होता है नहीं। ये चाम ही है जो आकाश का विभाजक है, चाम के भीतर है सो भीतर, चाम के बाहर है सो बाहर, और चाम में तो इतनी ताकत नहीं है कि वो आकाश को टुकड़ा टुकड़ा कर सके। तब देखो भीतर है अपने आकाश, और आकाश में वायु, वायु में अग्नि, अग्नि में जल, जल में पृथ्वी, और इन्हीं पांचों भूतों से कोटि कोटि ब्रह्मांड बनते हैं। ब्रह्मांड होते हैं छोटे और ये पंचभूत होते हैं बड़े, इस बात को कोई जानते हैं कोई नहीं जानते हैं। सब ब्रह्मांड पंचभूतों से ही बनते हैं, और सब आकाश में जैसे धूली के कण उड़ते हैं, खैव रजान सी बांसी, भागवत का कहना है जैसे आकाश में धूल के कण उड़ते हैं, इसी प्रकार ये ब्रह्मांड के कण अपने स्वरूप में उड़ रहे हैं। वो का पूछो साधो, उम्र हमारी हो कोटि कल्प जादव है, दस कोटि कन्हाई हो, कोटि कल्प ब्रह्माव दस कोटि कन्हाई, कोटि कल्प ब्रह्माव है दस कोटि कन्हाई हो, छप्पन कोट जादव भय मेरी एक पलाई हो। अपूर्वम अनपरम अनंतरम अभाज्य, न हमसे कोई पहले है न हमसे कोई बाद है, न कोई हमारे भीतर है न हमारे कोई बाहर है। अरे कृष्ण ने ऐसी लीला रचाई महाराज, तो कृष्ण का नन्ना सा शरीर, मुट्ठी भर की कमर, पांव में नूपुर, कमर में करधनी, गले में हार, और बजनहा बंधा हुआ,
और कानों में कुंडल, नाक में गुलाक, आंखों में प्रेम भरी चितवन, होठों में मुस्कान। अरे क्या बालक है, अब बालक क्या है महाराज, ये तो आफत का परकाला है देखने में काला पर आफत का परकाला। इसके पेट में कोटि कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाला आकाश भरा पड़ा है। कैसे समझोगे कृष्ण को भाई? कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल। और महाराज मैया ने जो हाथ पकड़ के डांटा, बाएं हाथ से पकड़ लिया कृष्ण का दाहिना हाथ और अपने दाहिने हाथ में ले ली छड़ी। कस्मान मृद मदानता आत्मन भवान भक्षितवान। अरे वो चटोरे, हाँ ये नाम वेद में नहीं है भगवान का। अरे ओ चटोरे, तूने माटी खाई है, घर में माखन मिश्री नहीं है खाने को। कस्मान मृद मदानतात्मन भगवान भक्षितवान रहा। बोले मैया किसने खाई? तूने खाई। कहाँ खाई? अकेले में खाई। अकेले में खाई तो मैया तुमसे कहा किसने? ग्वालों ने। देख ये तो बयान ही झूठा हो गया। अकेले में खाई तो इन लोगों ने देखा कैसे? और देखा तो अकेला कहाँ? कट गया परस्पर विरुद्ध। अरे महाराज क्या हाईकोर्ट के वकील क्या बात करेंगे। कहाँ खाई? अकेले में। किसने खाई? तू ने। मैया अकेले में खाई तो देखा किसने? कहने वाला झूठा है। अरे नाम भक्षितवानंबो सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। मैया मैंने नहीं खाई माटी। दाऊ दादा आके खड़े हो गए। क्यों रे कन्हैया, तूने माटी नहीं खाई? दाऊ खाई। मैया आ गई सामने। क्यों रे लाला, तूने मिट्टी खाई? कर नहीं मैया नहीं खाई। दाऊ से बोले खाई, मैया से बोले नहीं खाई। अरे रे अभी एक वेदांती जी वहां पहुंच गए। उन्होंने पूछा क्यों प्रभु आपने मिट्टी खाई? बोले भाई देखो अज्ञानी की दृष्टि से तो खाई और ज्ञानी की दृष्टि से नहीं खाई। दोनों बात सही है, अनिर्वचनीय है। जिसको वृंदावनी वेदांत बोलते हैं वो ये गोकुलिया वेदांत है। ये उपनिषद उपनिषद नहीं है, गोकुलिया वेदांत है। मिट्टी खाई? कहाँ खाई? बलराम जी की ओर देख के कह दिया खाई। त्वदीय दृष्टिया भुक्तवा, तुम्हारी दृष्टि से मैंने खाई, तुमने देखा तो ठीक है। और मैया ने पूछा क्यों लाला खाई? स्वदृष्टिया नाम भक्षितवान, स्वदृष्टि से मैंने नहीं खाई। अब उधर मैया देखे दाऊ की ओर, दाऊ देखे मैया की ओर, हैं दो चक दोनों चक का है। मैया बोली कि इतने ग्वाल बाल कह रहे हैं, सबने देखा तुमको काटो। यदि सत्य गिरस्तर ही, यदि वे सत्य गिर हैं, सत्यवाक हैं, सच बोलते हैं, ऐसा तू मानती है मैया? अज्ञानियों की दृष्टि कोई सच मानती है? तो सत्य गिरा मैं, असल में सच बोलने वाला मैं हूँ। वे थोड़े से, मैं सच हूँ, सच जानता हूँ, सच बोलता हूँ। सत्य गिरा यदि ते सत्य गिरा तरी सत्य गिरो मैं माम, मैं हूँ सत्यवादी। अरे बाबा असंगत होता है, खाना न खाना दोनों एक साथ कैसे? बोले हे सती जदि अगिरा गीर्षु असामंजस्य तरी समक्षम में मुखम पश्य। ये संस्कृत से खेल लिया हो थोड़ा सा, संस्कृत भाषा से खेल लिया थोड़ी। यदि हमारी वाणी में कोई असंगति दिखती है
तो देख मेरा मुंह हाजिर है, देख ले मेरे मुंह में। क्या देख? देख मुंह में जो चीज पहले से नहीं होती है सो खाई जाती है। कोई जीभ थोड़ी खाया जाता है, दांत थोड़ी कोई खाई जाती है, दांत तो नहीं खाया जाता, जीभ नहीं खाई जाती। तब कब मेरे मुंह में देख ले मिट्टी पानी हवा आसमान कोटि कोटि ब्रह्मांड पहले से मौजूद है, मैं खाऊंगा क्या? मैंने सबको पहले से ही खा रखा है। पूछ लो ब्रह्म सूत्र में, सूत्र ही है वो, अत्ता चराचर ग्रहणात्। परमेश्वर सबसे बड़ा खाने वाला है, क्योंकि वो खाता है तो कोई दाल भात नहीं खाता है, वो लड्डू पूरी नहीं खाता। अत्ता चराचर ग्रहणात्, चराचर सृष्टि को खा जाता है। जैसे मकड़ी निगलती है अपने मुंह से जाला, उगलती है और निगल लेती है, ऐसे ही भगवान जतोर्णनाविश सृजते गृहणते च, ऐसे। अच्छा तो ये मिट्टी खाने की बात हुई है, कुछ वेदांत वेदांत मालूम पड़ता है? ये माटी क्यों खाई? बोले तो माटी क्यों खाई कि ये ब्राह्मण लोग बड़ी शांति से रहते हैं और दुनिया में अधर्म बढ़ रहा है, तो थोड़ा रजोगुण इनमें लगा दे। ये जवाब है वो किसी धर्माचार्य का। धर्माचार्य ने कहा कि ब्राह्मण लोग बड़ी शांति से बैठे रहते हैं और इस संसार में अधर्म बढ़ रहा है, ये सत्वगुणी हो गए हैं, थोड़ा सा रज लगा दे मुख में और ये जरा उग्र हो जाए और अधर्मियों को मिटावे, उनका विरोध करें। बोले भाई ये मुंह तो ब्राह्मण है, ये क्या उग्र होंगे, इनको तो दान दक्षिणा कुछ देना चाहिए। जब असुरों को मारना है, पृथ्वी का कल्याण करना है, तो पृथ्वी का थोड़ा सा अंश ब्राह्मणों को दान दे दिया जाए। और तो ब्राह्मणों को दान दे दिया। उधर महाराज भगवान के पेट में कोटि कोटि ब्रह्मांड और उसमें जीव, वो मांग रहे कि हे प्रभु ये जो ब्रजवासी हैं इनके चरणों की धूल हमको मिलनी चाहिए। ओ उठा के मुंह में डाल दी। भगवान ने कहा रे भाई हमारे चरणों की धूल तो लोग लेते ही रहते हैं, इन भक्तों की चरणों की धूल लेकर मैं जरा अपने मुंह में डाल के देखा क्या स्वाद आता है। देखो ये जो अभिमानी लोग होते हैं ना, वो दूसरे के पांव की धूल पर जाए तो चिढ़ जाएंगे वो, अरे अपने पांव की धूल डालते हो मेरे ऊपर। भगवान में किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, अभिमान न होने के कारण अपने भक्तों के चरणों की धूल अपने सिर पे लगाते। अनुप्रजाम्यम नित्यम पूजे ये त्यंग्री रेणु भी, हम तो इन महात्माओं के पीछे इसलिए बोलते हैं कि इनके चरणों की धूल हमारे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। एक भगत ने पूछा कि हे भगवान आपके अंदर कोई गंदगी है, कोई अपवित्रता है, कोई पाप है कि उससे छूटने के लिए आप भक्तों के चरणों की धूल लेते हैं? बोले हाँ भाई है। तब क्या है? है ये कि एक भक्त जो हमसे प्रेम करता है, सच्चा निष्कपट केवल हमसे करता है, और मैं ऐसा बहुबल्लभ हूं कि जो सामने आता है उसी से कहता हूं कि तुम ही मेरे प्यारे हो, अरे मेरे को तुम्हारे सिवाय और किसी से प्रेम करता ही नहीं, तो हमको बड़ा छल कपट करना पड़ता है, जो सामने आया उसी से कह दिया कि हाँ तुम मेरे बड़े प्यारे हो। ये जितने भगवान होते हैं वो सबको यही करना पड़ता है। हम भी यही करते हैं। हम अगर ऐसा न करें तो दूसरे की पोल पट्टी हमको मालूम कैसे पड़े। भक्तों की चरण धूली, महात्मा जो होता है यदि उसमें वैराग्य न हो, असंगता ना हो, असंगता नहीं हो तो महात्मा कैसा? हाँ कोई सामने आए बोले तुम मेरे भगवान हो, मेरे प्यारे हो,
तो सचमुच नारायण नारायण तो हम लोग कहते ही हैं, किसी ने कहा वो नारायण, बोले नारायण नारायण नारायण, माने तुम नारायण हो, हमारे नारायण तो तुम ही हो। ये नारायण कहने का मतलब ही यही है कि मैं ही नारायण नहीं हूँ जिसको तुम प्रणाम कर रहे हो, तुम भी वही नारायण हो। नारायण कहने के दंडी स्वामी आपस में ओम हरि बोलते हैं, लेकिन यदि कोई गृहस्थ प्रणाम करे तो उनके लिए भी शास्त्रीय विधान यही है कि नारायण इति प्रतिवचनम दद्यात्। प्रणाम करने वाले को नारायण बोलना चाहिए। तो महाराज भक्तों की चरण धूली भी कभी कभी बहुत प्यारी लगती है, और जिसमें विनय नहीं होगा उसको लोग प्रेम क्या करेंगे। कोई उजड़ से उद्धत से बड़ी बड़ी मूछें हैं और टाई वाई पहने हुए और मच मच करता हुआ सड़क पर चल रहा है तो उसको देख के आदमी मुंह फेर लेगा कि उसे प्रेम करने जाएगा। जैसे गंगा जी नीचे आती है समतल पर, ऐसे प्रेम की गंगा विनयी के प्रति प्रवाहित होती है। जिसके जीवन में विनय नहीं है उसको प्रेम नहीं मिल सकता। भक्तों की चाहिए चरण धूली। एक बात और आपको सुनाते हैं, हंसी की नहीं है, सच्ची है, बड़ा चुटकुला नहीं है। प्रेमपुरी जी महाराज के साथ हम मोटर में बंबई में चल रहे थे, हमारा पीछे से एक टैक्सी आई और उसने जो पानी बरसा हुआ था और गंदगी थी सड़क पर, उसको ऐसा उछाल के मारा महाराज कि हम सब लोग जो है मोटर में अपने पड़ गया, ऊपर तक के मुंह में आ गया पानी। तो हमारा ड्राइवर बहुत नाराज हुआ, बोले हम भी अब मोटर इसका पीछा करते हैं, इसकी मोटर को भी नहला देंगे। तो प्रेमपुरी जी बोले, हमसे बोले कि देखो भाई, भगवान का चरणामृत तो बहुत लिया, गुरु का चरणामृत बहुत लिया, पर मोटर का चरणामृत तो जीवन में आज ही मिला। अरे महाराज, हम लोग तो हंस गए और ड्राइवर भी हंस गया, उसका गुस्सा भी उतर गया। ये है सत्पुरुष का काम, ये है सत्पुरुष का काम कि आते हुए गुस्से को उन्होंने पहले हंसी में डुबाया और गुस्सा लापता हो गया। वो तो निंदा चास्य हृदयम लोकहन्या, महात्मा वो है कि कोई कितना भी अपमान करे और उसके दिल पर चोट न पहुंचे। ऐसा महाराज शॉक प्रूफ रखते हैं जैसे अपनी घड़ी को, वैसे अपने दिल को महाराज ऐसा रखना चाहिए कि बाहर की कोई वस्तु काम क्रोध लोभ हमारे हृदय में उत्पन्न न कर सके। इसलिए महात्मा लोग चरणों की धूल, भगवान स्वयं ब्रजवासियों के गोपियों के चरणों की धूल लेते हैं, खाते हैं। अरे रजोगुण को जब तक खा नहीं जाओगे, रजोगुण को खा जाओ कि जीवन में सत्व ही सत्व प्रकट हो जाए, और जब सत्व प्रकट होगा तब होगा अंतकरण शुद्ध और उसमें होगी परमात्मा की प्राप्ति। अब एक बात चोरी की बताते हैं आपको, चोर की, क्योंकि रात में जब कथा वार्ता होती है तो दो ही तो कथा कहने लायक होती है महाराज, चोर जा रहा प्रसंगता। रात को जब चर्चा करनी हो तो चाहे चोर की करो चाहे जार की करो, ऐसे भगवान आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एक दिन किसी गोपी के घर में भगवान गए चोरी करने, माखन चोरी करने, और उसने आके पट पकड़ लिया। कारी गोपी, तो मुझे पकड़ती क्यों है, क्या तुम हमारे घर में चोरी करने के लिए आए हो। कारी गोपी, ये तेरा घर है, मैंने तो समझा था कि मेरा है, अब बस चोरी समझो, इसमें क्या कहाँ है, कि ये माखन तेरा है और मैं तो जानता था कि मेरा है। ये देखो सारी विश्व सृष्टि परमात्मा की है, इसमें तो जीव ने अज्ञान से कहो बेईमानी से कहो, जिस वस्तु के स्वामी भगवान है उसको अपनी करके रखा है। चोर तो जीव है, चोर तो ये संसारी लोग हैं जो भगवान की चीज को मेरी 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 कहते बैठे हुए हैं। भगवान तो ये बताने के लिए आते हैं
कि चीज तुम्हारी नहीं है, मेरी है, तुम्हारा स्वत्व, तुम्हारा स्वामित्व बिल्कुल झूठा है। इसी से महाराज देखो, जब गोपी के घर में चोरी करते हैं तो बताते हैं कि मैंने घर को अपना समझा, चीज को अपना समझा, तुमको भी अपना समझा, मेरी दृष्टि में तो तुम सब अपने हो, और गोपी की दृष्टि में तो है नहीं। पर ये बात गोपी की नहीं है, हम सब लोगों की है। तो कैसे, हम सबके घर में भगवान चोरी करते हैं, वहां पर हमको भगवान चोर नहीं दिखते हो, पता नहीं कब धन दौलत जो घर की है ना, वो कब सरक जाती है, कौन सरकाता है आपको मालूम है, वही है चोर। वेद में सुना है आपने, स्तेनानाम पते नमो नमः, डाकुओं का सरदार, चोरों का सरदार कौन है, कब भगवान। हाँ, मैया के मालूम नहीं था बेटा सरका दिया, सेठ को मालूम नहीं था संपत्ति सरका दी, और जब मर्जी हुई जब खींच लिया, कह तुम बाप जी मेरा समझते हो, कह नहीं ये तुम्हारा नहीं है, हम चाहे जब देते हैं चाहे जब खींचते हैं, इसमें तुम्हारा क्या लगता है। ये है भगवान की चोरी, हो भगवान की चोरी भी है, सीना चोरी भी है, दिल की चोरी करो। भगवान ने दिया था तुमको एक दिल, सिंधी लोग दिल को दिलड़ी बोलते हैं, दिलड़ी, फूल को गुल को गुलड़ी बोलते हैं और दिल को दिलड़ी बोलते हैं, बड़ा सुकुमार है। काहे के लिए दिया था, कर दिया था कि इसमें हमको बैठाना, हम जब तुम्हारे घर में आवे तब तुम इसमें हमको बैठाना, इस दिल में हमको बैठाना, लेकिन हमने उसमें बैठा लिया दूसरे को, तब क्या करते हैं भगवान, नयन हृदय चौर पश्यताम सज्जनानां। ये देखो, अपहरति मनो में कोप्यम कृष्ण चौरा, ये देखो कोई काला चोर है, काला चोर कहाँ, अंधेरे में छिप जाता है, अंधेरे में छिप जाने वाला ये काला काला चोर का अपहरति मनो में मेरा मन चुरा के लिए जा रहा है। प्रणत दूरित चौरा, जो सिर झुकावे उसका पाप चुरा लेता है। पूतना प्राण चौरा, पूतना के प्राणों को चुरा करके उसका भी प्राणेश्वर बन जाता है। और महाराज जो प्रेम से देखे उसकी आंख चुरा लेता है, उसका दिल चुरा लेता है, और एक बार उसकी ओर देखो तो ये है चोर महाराज, चोर। असल में तुम जो चोर हो गए हो, तुम्हारी चोरी छुड़ाने के लिए भगवान भी चोर बन के आता है। आओ बतरस करो उससे, क्यों चोरी करी तुमने, एक दिन गोपी ने बांध लिया हो अपने घर में, बांधरी गोपी तेरे को तो बांधना भी नहीं आता, कैसी गंवार है। अच्छा कृष्ण हमको बांधना नहीं आता है, क्या नहीं आता है तो कैसे बांधा जाता है जरा बताओ, लाओ अपना हाथ, और वही रस्सी लेके गोपी को बांधी और खंभे में कस दिया, बोली अब छोड़ दो, ली 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 गोपी, दोनों अंगूठा दिखा, ली 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 गोपी, हमको बांधना आता है छोड़ना नहीं आता है, हमारी गांठ तो ऐसी है बाबा कि उसको हम भी नहीं छोड़ सके, हमसे हमसे जो जुड़ गया उसको हम छोड़ते थोड़े हैं कभी। और महाराज बस ये, एक दिन तो महाराज ऐसा हुआ, जसोदा मैया जरा से इधर उधर गए, खंभे के सामने खड़े हो गए, चमका अपना, ले तू खा ले तू खा। मैया ने देखा कि क्या करता है, मैया तेरे घर में चोर आया है ये, हाँ तो ये भी दांत पीसता है, और देखो प्रतिबिंब में, और इसको बोलते हैं प्रतिबिंब, वेदांतियों में प्रतिबिंबवाद बहुत प्रसिद्ध है, वो शंकराचार्य भी प्रतिबिंबवाद मानते हैं, नारायण और विवरणकार जो है, विवरणकार को प्रतिबिंबवाद स्वीकार करते ही, भामतीकार का अवच्छेदवाद है,
और सुरेश्वराचार्य का व्यासवाद, और हमारे प्रकाशानंद सरस्वती का दृष्टि सृष्टिवाद है, ये है प्रतिबंध। मैया ने कहा क्यों रे तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगा? कहा मैया तेरी दही में मक्खन में मक्खी पड़ गई थी, उसको मैं निकाल रहा था। कहा अच्छा, हाँ, मक्खी निकाल रहे थे तो मुंह में कैसे लगा? बोले मेरे मुंह पर मक्खी बैठी थी, उसको उड़ाने के लिए हाथ किया था, लग गई। ये एक प्रेम नगर के कानून है, वो 64 कानून है, 64 संप्रेम नगर के संविधान की 64 धाराएं हैं। उस ग्रंथ का नाम है प्रेम पत्तनम, और उसके लेखक हैं रसिकोत्तंस। तो वहां क्या है, वहां प्रेम में झूठ बोल के छेड़छाड़ करना ये धर्म है प्रेम नगर, वहां झूठा धर्म होता है, वहां बांध लेना धर्म होता है। 64 है वहां, सत्य असत्य, सत्य अधर्म होता है, असत्य धर्म होता है, उच्छिष्ट धर्म होता है और उच्छिष्ट धर्म होता है और पवित्र जो है वो अधर्म होता है। वहां एक दूसरे वो दुनिया है जहां धर्म और अधर्म का भी मिश्रण है। अरे किसी वेदांती से ही पूछ ले, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र च कृताकृतात्, परब्रह्म परमात्मा में धर्म अधर्म दोनों नहीं है, दोनों से परे है। दूर मतो विदितात् अविदितात् अधि, वो कार्य से भी परे है, कारण से भी परे, कहाँ लगाते हो धर्म? अच्छा ले एक दिन की बात सुना देते हैं। एक दिन महाराज एक मियां बीवी थे गोकुल में, पति पत्नी, पति जो है वो तो दाढ़ी पूछ रखते थे बड़ी बड़ी, और पत्नी जो थी वो केशनी थी, वो तो बंगाली केश महाराज पांव के नीचे तक जाए, जब चले तो धरती झाड़ती चले, इतने बड़े बड़े बाल थे। हमने ऐसे बाल देखे, गप नहीं हाँक रहा हूँ। हमारे पास एक श्रीमती जी आई थी, उन्होंने बिल्कुल खोल के अपना बाल फैला दिया धरती पर, इतने बड़े बड़े थे। एक भाव बन भगत वंश की थी, सुन रहा है उनके बाल बड़े बड़े, उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी। उन्होंने कहा कृष्ण अगर हमारे घर में कुछ चोरी करने के लिए आएंगे तो हम पकड़ेंगे जरूर। छींके पर रख दिया दही दूध घी मक्का, और दोनों नीचे खाट बिछा के सो गए, आएंगे तो आज हम पकड़ेंगे। अब महाराज कृष्ण आए पांव दबा के, वो तो महाराज था बड़ा पांव दबा के चलते ना, किसी को पता ही नहीं चलता कि कब आए कब गए, दिल में कहां से घुस आए इसका भी पता न चले, और कब सरक गए इसका भी पता न चले। अब वो आए, देखा दोनों सो रहे हैं, बड़े चतुर हैं, तो उन्होंने क्या किया महाराज कि उनकी धीरे से दाढ़ी गई और उनकी चोटी, और दोनों की दाढ़ी चोटी का सम्मेलन कर दिया। बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं आजकल, तो वेदांत सम्मेलनों की धूम है, धर्म सम्मेलनों की धूम है, और जहाँ देखो संत सम्मेलन, वेदांत सम्मेलन, धर्म सम्मेलन, ये तो मेलन ही मेलन तो हो रहा है। तो उन्होंने दाढ़ी चोटी सम्मेलन कर, अब जब निश्चित बांध लिया, तब उसके बाद महाराज ऊपर दृष्टि डाली, एक कुई का और की डांटी थी नीचे वाली, और उसको धीरे से ऊपर फेंकी दूध में, और मुंह में लगा के खींचने लग गए उसको। अब वो पिए, इतने में वो जग गए, खटपट हुई तो जग गई, तो महाराज वो पकड़ना चाहे, इतने में एक कुल्ला मुंह में से दूध का उनकी आंख पर किया, वो जो यो यो करने लगे है, तब तक तो रफू चक्कर भाग गए 9-2-11 भाग गए। अब भाग गए महाराज, जब वो उठे तो उनकी दाढ़ी चोटी छूटे ही नहीं, बहुत कोशिश की उन लोगों ने, नहीं छूटी। तो कैसे कपड़ा लत्ता ओढ़ के, कैसे छिपा के, फिर जसोदा मैया के पास गए, तो मैया देख तेरे लाला ने ये दुर्दशा हमारी की है। मैया ने बुलाया, क्यों लाला क्या किया तुमने? तो मैया हमने किया है सो तो ठीक किया है,
पर अभी गांठ छूट नहीं सकती मेरी लगाई। तब क्या होगा? तो बोले कि अब दाढ़ी रखने का और चोटी बढ़ाने का अब समय बीत गया है, अब कलयुग का प्रारंभ है। अखिल कलादि गुरु लाओ कैंची, तो पुरुष की दाढ़ी और स्त्री की चोटी काट के अंग्रेजी बाल बना दी। ये दुनिया भर में जितने भी काम होते हैं ना, उनका उद्घाटन तो वही करते हैं। अखिल कलादि गुरु, अखिल कलादि गुरु भागवत में, अखिल कलादि गुरु ननर्तक। कलयुग का प्रारंभ होने वाला है, द्वापर का अंत आने वाला है, इसमें अब कोई पुरुष दाढ़ी मूछ रखेगा नहीं। रोज सवेरे उठ के, अरे केवल दाढ़ी मूछ नहीं, महाराज अपने शरीर का भी बाल बना, सारा शरीर हो। यहाँ ऐसे साधु हैं, ऐसे साधु हैं, हम जानते हैं, रोज अपने शरीर पर वो उस तरह तैरते हैं। और चिकने चिकने दिखते दिखाई पड़ते हैं, उनको लालच यही है कि हमारा चाम चिकना दिखे। वो भालू शाही जो बाल है, वो दिखाई न पड़े। स्त्रियां तो भला कुछ चिकना चुपड़ा लगा के उचार देती, हाँ वो दूसरी बात है। पुरुष तो ये महाराज, ये श्री कृष्ण की लीला है, खेल है, खेल का। इसमें कहो कोई पाप है कि पुण्य है कि धर्म है कि अधर्म है, वो कृष्ण के साथ नहीं लगता। हाँ ये है विलसंति महाभ हो गई, विसंति गिरी गपरम। बड़े बड़े भोग के साथ भोग करते हैं और जंगल में जा करके चुपचाप एकांत में कभी अपने स्वरूप में स्थित हैं और कभी व्यवहार में महाराज खेल रहे हैं। कौन रोकने वाला है? पूरे पौराण पश्यन जीवन मुक्तानंद, जीवन मुक्तानंद लहरी है, ऐसी बढ़िया है महाराज। क्वचिन न व्यामोहम भजति गुरु दीक्षा क्षत समाह। जिसको महाराज गुरु दीक्षा प्राप्त हुई और अद्वैत बोध हुआ, उसको दुनिया में कहीं व्यामोह है ही नहीं। न मजहब का व्यामोह है, न राष्ट्र का व्यामोह है, न जात पात का व्यामोह है। ये तो सब व्यामोह है और संकीर्णता के रूप हैं। काट दी सारी की सारी संकीर्णता, काट दी। अच्छा अब आगे की बात आपको सुनाता हूं। राधे श्याम राधे श्याम, ये कृष्ण की लीला को समझना थोड़ा कठिन है। अपने मन से पुस्तकों में बांच के कोई इसको समझ नहीं सकता। अब देखो एक लीला है, देखने में कितनी सरल कितनी सुगम। कृष्ण को जसोदा मैया ने उखल से बांध दिया, माने भक्त चाहे तो भगवान को एक खल के साथ भी बांध सकता है। दुराचारी से दुराचारी को, पापी से पापी को भी यदि भगवान का भक्त चाहे, मैया चाहे तो बांध सकती है, बांध जाओ इसके साथ। और प्रेम से नहीं, रस्सी से। ये भक्त बात्सल्य है इसका नाम। भगवान भगत के बस में, भगवान चाहे, अब भक्त चाहे तो भगवान को बांध ले। अब देखो इसमें एक बात ये है कि प्रजापति के आशीर्वाद से नंद जसोदा को भगवत प्राप्ति हो गई, एक सिद्धांत ये है। दूसरा सिद्धांत ये है कि चल के भक्त का दर्शन करो, भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान के पास अपना कोई घर नहीं। हमने बहुत छानबीन की कि भगवान का मकान मिल जाए, पर वो तो सर्वभूतेषु कृताल है। अरहेत बानमानाभ्याम, सबके शरीर में सबके दिल में भगवान ने अपनी कुटिया बना रखी है, वहीं तो रहते हैं। भगवान का महल धर्म पुंडरीकम वेशमा, सबका हृदय ही है महाराज, वहीं रहते हैं। भक्त के हृदय में भगवान स्पष्ट रहते हैं, दिखाई पड़ते हैं,
और सबके हृदय में, जैसे आज समाजियों के हृदय में भगवान रहते हैं परंतु निराकार रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, और भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं तो साकार रहते हैं, दिखाई पड़ते हैं, हंसते हैं। सनातन धर्मियों के हृदय में रहते हैं तो हंसते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनके हृदय में रहते हैं तो छिपे रहते हैं। अब किसी के हृदय में छिपे रहते हैं, किसी के हृदय में प्रकट रहते हैं, अब उसको कोई क्या कहे। और ये कहो कि छिपे हुए भगवान है और प्रकट भगवान नहीं है, तो बात तो है नहीं। सब आज्याभ्यंतरो यजा, बाहर भी वही भीतर भी वही, द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंचा मूर्तंचा, वही मूर्तिमान है वही अमूर्त है। सबके भगवान ने अपनी कुटिया तो बनाई नहीं, तो चलो जसोदा मैया का दर्शन करो, दही मत रही है कृष्ण के लिए और लीला गा रही है कृष्ण का और स्मरण कर रही है कृष्ण की लीलाओं का, गान कर रही है कृष्ण का और दही मत रही है कृष्ण के लिए, तन मन वचन सब कृष्ण के लिए लगा, आओ भक्त का दर्शन करो, क्योंकि भक्त के आसपास भगवान मंडराते रहते हैं। चलो जसोदा मैया की। और दूसरी बात क्या हुई कि जिज्ञासु लोग भगवान का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और भगवान अपने भक्त का जो प्रेम रस है उसका आस्वादन करना चाहते हैं। जिज्ञासु लोग जाते हैं भगवान के पास और भगवान आते हैं भक्त के पास। दूध पीने के लिए भगवान आ गए और मैया ने दूध पिला दिया। एक दृष्टिकोण इसमें यह है कि भक्त के लिए भगवान के मन में कामना होती है और भक्त भगवान को बस में रख सकता है, बस में नहीं रख सकता है, बांध सकता है। और भगवान में न बंधन है न मुक्ति है, ये वेदांत है, जस्ट वेदांत पहुंच गया। भगवान में बंधन नहीं था, जसोदा मैया ने बंधन का आरोप किया, लगा दिया बात, और भगवान में मुक्ति भी नहीं थी, दोनों गायब। ये बंधन और मुक्ति का भेद कच्चे लोगों को ही होता है, पक्के लोगों को बंधन मुक्ति का भेद नहीं होता। भागवत में बंधन और मुक्ति दोनों ही अमान्य है, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, अरे बंधन दिखा मुक्त करते हैं, अरे दिखाओ तो बंधन, सिद्ध तो करो बंधन, माने माने बंधन में आयो। तो जसोदा मैया ने बंधन दिखाया और नंद बाबा ने उसका अपवाद कर दिया, न बंधन है न मुक्ति है, अज्ञान संज्ञो भव बंध मोक्ष। भागवत का श्लोक, दो नाम अनान्य सरितज्ञ बाबा, अजस्त्र चित्तियात्मनि केवले परे, विचार जमाने तरणा विवानी। भाई विचार करके देखो कि सूरज में दिन कब होता है और रात कब होती है। इस भले मानुष को जो दुनिया को रोशनी देता है, यही जो आसमान में चलता है, आकृष्णेन रजसा वर्तमान मेरे शयन अमृतम मर्त्यंच, इसी भले मानुष से पूछो कि तुम सबको तो रोशनी देते हो, तुमने कभी रात देखी है? और सूरज ने कभी रात देखी ही नहीं है। ये जो लोग सूरज से दूर हैं वही रात और दिन की कल्पना करते हैं। सूरज आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, ऋग्वेद बोल रहा है यजुर्वेद बोल रहा है दोनों में, सूरज आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, इस तरह कर जगत का आत्मा सूरज है। कभी सूरज ने दिन रात का भेद देखा ही नहीं, आत्मा ने कभी बंधन और मुक्ति का, ज्ञान और अज्ञान का भेद देखा ही नहीं, आत्मदेव ने कभी ज्ञान अज्ञान का भेद नहीं देखा। ये तो देह में बैठ के हम कल्पना करते हैं कि हम अज्ञानी हैं और फिर ज्ञान से इस अज्ञान की निवृत्ति होगी, देह में बैठ के सोचते हैं हम बंधन में हैं और हम मुक्त होंगे, वहाँ बोले अज्ञान संज्ञो भव बंध मोक्षो, संसार में बंधन और मोक्ष दोनों अज्ञान के नाम हैं।
अज्ञान संज्ञ अज्ञान के कार्य नहीं, क्योंकि अज्ञान का कार्य वार्ज नहीं होता। और किसी वस्तु को न जानने से जो चीज पैदा होती है वो तो होती ही नहीं है, और जान लेने से जो मिट जाती है वो तो मिटती नहीं है, पहले थी ही नहीं, मिटेगी कहां से। तो ये बंधन और मोक्ष दोनों अज्ञान के नाम हैं। अज्ञान संज्ञो भवबंध मोक्ष दो नाम नान्य स्तरित अपनी भावना के सिवाय, अपनी भावना के सिवाय न बंधन है न मोक्ष है। ये जो ज्ञानी पुरुष हैं चाहते हैं कि भाई ये आदमी बड़ा दुखी है, देखते हैं बड़ा दुखी है, तो कहते हैं अरे अरे वो जीव तू तो बंध गया है, कहाँ कथन से बंध गया, परिवार से बंध गया, जात पात से बंध गया, मजहब से बंध गया, देख देख तू पराधीन है। अब वो बोलेगा हाँ महाराज हम तो पराधीन है। यम भावम दर्शेत जस्य तम भावम सतु पश्यति। ज्ञानी पुरुष में ये सामर्थ्य होता है कि जिसको जो दिखाए दे, जिसको जो दिखा दे उसको वैसे ही दिखने लगेगा। वो दिखा दे कि तुम मर गए, मुर्दा हो गए और ये झरने में बह जा रहे हो, वैसे ही दिखने लगेगा वो। और वो बह वो बता दे अरे तुम तो चिन्मात्र स्वयं प्रकाश हो, वैसे ही दिखने लगेगा। ज्ञानी पुरुष जिसको जो चाहे उसको वो दिखा सकता है, उसको वैसा भान करा सकता है। तो ज्ञानी पुरुष ने देखा कि ये लोग बड़े दुखी हो रहे हैं, तो बोले अरे तुम दुखी हो, ये तुम्हारा दुख कहाँ से आया, क्या तुम्हारे अज्ञान से आया। और ये अज्ञान से आया कहाँ महाराज, तब कहो हम ऐसा ज्ञान देंगे कि तुम मुक्त हो जाओगे। अरे पहले से ही मुक्त था, बंधन था नहीं, बंधन का आरोप कर दिया और मुक्ति आई नहीं, उसको दिखा दिया। ये नंद बाबा ने बंधन खोल दिया और जसोदा मैया ने बंधन बांध दिया, नंद बाबा ने खोल दिया, उन्होंने किया अध्यारोप और उन्होंने किया अपवाद। ये कृष्ण के शरीर में बंधन और मुक्ति दोनों अध्यारोप अपवाद मात्र हैं। ये उखल बंधन लीला वेदांत है। असल में तो देखो सब जगह है, हमने बनाई, हम पहले पेशेवर गुरु हैं, पहले ही आप लोगों को हमारे खानदान बाप दादा परदादा सबका काम था चेला बनाने का, तो पेशा ही था वही जीविका थी, वही जीविका थी लोगों को चेला बनाने। तो किसी के घर में पूजा पत्री करानी होती तो वो गोबर लेके गौरी बनाते और फिर सुपारी लेके गणेश बनाते और गौरी की गोद में रखते गणेश और उस पर कोई रक्षा बांधते, क्या हो तो बांधते वो बांध के और फिर आवाहयामी पूजयामी आवाहन किया, आवाहन माने अध्यारो। और फिर जब पूजा पत्री हो गई दक्षिणा चढ़ गई और तब उसके बाद विसर्जयामी अब आप पधारो, इसका नाम हुआ अपवाद। गौरी गणेश का अध्यारो अध्यारोप किया गोबर और सुपारी में, जजमान के हृदय में श्रद्धा बनाई, उसको देवता के प्रसाद का आश्वासन दिया और जब काम पूरा हो गया तो हमको तो मिली दक्षिणा और कर दिया वहां विसर्जन अपवाद, और गौरी गणेश को सुपारी को ले ली अपने घर के लिए और गोबर जो है का उसको फेंक दिया नदी में। इसी का नाम है अध्यारोप अपवाद। ये पूजा है महाराज पूजा। देखो विलायत में कैसे होता है, एक लड़की लड़के का प्रेम हुआ, हाँ महाराज चले गए रजिस्ट्री ऑफिस में, रजिस्ट्री हो गई तो अध्यारोप हो गया कि ये पत्नी और ये पति, और महाराज बरस दो बरस के भीतर हुई लड़ाई और जाके अदालत में दरखास्त दिया और हो गया डाइवोर्स। इसका नाम क्या है अपवाद, पति पत्नी का अध्यारोप हुआ और पति पत्नी का अपवाद हो गया। इसी का नाम है वेदांत में अध्यारोप अपवाद। और महाराज गए सालग्राम की पूजा की के साक्षात विष्णु, विष्णु कैसे होते हैं का चतुर्भुज, करे भाई तो गोल मटोल बटिया है इसमें चतुर्भुज कहाँ, नहीं बाबा अध्यारोप करो मानो
कि ये चतुर्भुज है काली काली पत्थर की बटिया, मानो कि चतुर्भुज विष्णु है। तो फिर बोले चतुर्भुज, हाँ चतुर्भुज। अरे चतुर्भुज क्या होता है? ये चतुर्भुज होता है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्व्यूह। कहा तो विष्णु में मानो चार होते। कही चारों चतुर्व्यूह क्या होता है? कही होता है भाई विश्व तेज प्राज्ञ सूर्य, कही चारों है। अब देखो देखो अध्यारोप करते करते सारे ग्राम की बटिया में विष्णु, विष्णु में चतुर्व्यूह और चतुर्व्यूह में फिर विश्व तेजस प्राज्ञ सूर्य और सूर्य का हुआ बोध और सालक ग्राम सहित वहां तक व्यूह की चतुर्ूपता तक, व्यूह चतुष्टयता पर्यंत का और नहीं विश्व तेजस प्राज्ञ सूर्य की जो चार रूपता है ना उसका भी अपराध हो गया। एक ही है अद्वितीय अद्वितीय, इसका नाम है अध्यारोप अपकार। अभ्यास किया महाराज, क्या अभ्यास किया? देखो एक इंद्रिय से वैराग्य हो, सब इंद्रिय से वैराग्य हो, तो अभ्यास किया हम इस चीज को नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं छुएंगे, ये हुआ अध्यारोप। और फिर बाद में अरे ये सब तो संसार की वस्तु है, प्रकृति प्राकृत है, छोड़ो सबको, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। असंगता वैराग्य, अभ्यास अध्यारोप है, वैराग्य अपवाद है, ये है लीला। हो फिर बोले मैं अन्नमय कोष, मैं अन्नमय कोष में चेतन हूँ। क्या ठीक है, अपने में अन्नमय का अध्यारोप किया। फिर बोले नहीं नहीं, अन्नमय तो जड़ है, हड्डी मांस चाम है, मैं तो प्राणमय हूँ, प्राणमय चेतन हूँ। पहले अन्नमय का अध्यारोप किया, फिर उसका अपवाद करके अपने को किया प्राणमय, फिर प्राणमय का अध्यारोप किया, फिर उसका अपवाद करके अपने को किया मनोमय। इसका नाम है अध्यारोप अपवाद। पहले साधन के लिए एक वस्तु स्वीकार करनी पड़ती है और फिर जब वो साधन सिद्ध हो जाता है तब उसका अपवाद करना पड़ता है। पहले साधा कि मैं वैश्वानर हूँ सप्तांग विराट, फिर साधा कि नहीं नहीं मैं हूँ सप्तांग लेकिन मैं तेजस हूँ हिरण्यगर्भ हूँ। तो अरे बोले नहीं नहीं मैं तेजस भी नहीं हूँ, तब मैं हूँ प्राग ईश्वर। साथ लिया कहा कि छोड़ो इसको, मैं प्राग ईश्वर भी नहीं हूँ, मैं तो तुरी हूँ। ये है अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया और सारे श्रीमद् भागवत में इसी अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया से सभी लीलाओं का निरूपण है। चाहे जहां देख लो, तो देखो महापुरुष के आशीर्वाद से भगवान की प्राप्ति होती है, भक्त की सन्निधि में भगवान मिलते हैं, भक्त से मिलने के लिए भगवान भी व्याकुल होते हैं। और अब भक्त दूध पिलावे तो पिलाते हैं पीते हैं, और महाराज प्रेम न करे तो नाराज भी होते हैं। जब वो चाहोगे कामना आवेगी हृदय में तो सब कुछ आवेगा उसके साथ। फिर तो भगवान को जब कामना आई काम आया तो भोक्ता बन गए, और जब भोक्ता बन गए तो लोभ बढ़ गया, और लोभ बढ़ गया तो अपमान मिला, अपमान मिला तो क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो हड़िया बढ़िया फोड़ दी, ददिया सास के जमाने का मटका फोड़ दिया, क्रोध आ गया। उसके बाद दंभ किया, आंसू ले आए, और उसके बाद जाके एकांत में चोरी करके माखन खाया, और उसके बाद डर गए, और डर के फिर भागे और बंधे। अरे ईश्वर भी यदि कामना के मार्ग पर चलेगा तो उसको अंत में बंधना पड़ेगा। आपकी तो बात ही क्या, तुम तो हो किस खेत की मूली, यदि कामना को स्वीकार करोगे तो बंधन में पड़ना पड़ेगा, भगवान को साथी खानी पड़ेगा। लो बोले भाई ये बहुत बुरा है, अरे जीव सावधान रहना, तुम कामना के चक्कर में मत पड़ना। ये मिला जीव के लिए मिला। अरे भगवान इतने अनुग्रहशील हैं, इतने भक्त बत्सल हैं कि यदि उनका ध्यान करने वाला चाहे तो महतो महियान भगवान को अणोरणियान बना के अपने हृदय में रख सकता है। और भक्त के प्रेम की ये महिमा है। तो ये भक्त की महिमा है कि भगवान की कृपा है कि जीवों के लिए आशीष, जीवों के लिए शिक्षा है कि महापुरुष का आशीर्वाद है। देखो ये लीला क्या है,
कि बंधन और मोक्ष का अध्यारोप अपवाद है। एक अलीला भगवता एको एक अलीला भगवतो बहुवर्था नाम तु साधिका, भगवान की होती है एक लीला। ये महाराज अपने आप कहानी किस्से की तरह किताब पढ़ने वाले लोग, इनके पास न कोई संप्रदाय है न इनके पास कोई शिक्षा है, ऐसे ही महाराज भगवान उखल में बन जाएंगे, भगवान का जन्म होगा। अच्छा उनसे पूछ दे, एक प्रश्न हम आपको बता देते हैं। बोला जो कहता है कि ईश्वर का अवतार नहीं हो सकता उससे पूछो कि आत्मा का अवतार हो सकता है क्या? माने ईश्वर का तो जन्म नहीं हो सकता, वो निराकार है, पर आत्मा निराकार है कि नहीं? आत्मा भी तो निराकार है, तो जब निराकार आत्मा का 3.5 हाथ के शरीर के रूप में जन्म हो सकता है, तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर का 3.5 हाथ के रूप में क्यों नहीं जन्म हो सकता? तुम ही बड़े बलवान हो कि शरीर धारण कर लो, और ईश्वर इतना कमजोर है कि वो शरीर धारण न कर सके। जो लोग अवतार का निषेध करते हैं उनसे पूछो कि आखिर आत्मा निराकार है कि नहीं? यदि आत्मा निराकार होने पर भी शरीरधारी हो सकता है तो ईश्वर क्यों नहीं निराकार होने पर शरीरधारी हो सकता? तो ये सब जो लीला है, इन लीलाओं का रहस्य होता है, और सब के सब ब्रह्मात्मयी के बोध पर्यवसायी हैं। सभी लीलाओं का अंत जो है वो परब्रह्म परमात्मा के साथ एकता के साक्षात्कार में है। अब महाराज आओ, ऐसे तो भगवान का ध्यानवान होता नहीं। इसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं विच्छित्ति, अमरकोश में इसका नाम है विच्छित्ति। विच्छित्ति क्या होती है? आप लोग कभी दक्षिण भारत में गए हो तो एक चिदंबरम नाम का तीर्थ है, वहां आकाश मूर्ति शिवलिंग की पूजा होती है। तो शिवलिंग क्या है? एक माला महाराज आसमान में लटकाई हुई है। अब वो माला ने क्या किया कि आकाश तो है विभु महान, एक जो माला लटकाई गई उसने आकाश में एक गोल लंबा शिवलिंग तरीका आकाश दिखा दिया। वो माला की उपाधि से आकाश माला के बीच में शिवलिंगाकार मालूम पड़ने लगा, तो आकाश में विच्छित्ति हुई, शोभा हुई। क्या शोभा? विच्छित्ति माने आकाश से अलग करके आकाश के एक अंश को देखा गया, इससे आकाश की शोभा बढ़ गई, शिव मान करके उसकी पूजा करो। इसी प्रकार जो परिपूर्ण परमात्मा है ना आकाश, वो भी नीला है, नीला नीला आंखों के लिए बड़ा प्यारा, आंखों का तारा नंद का दुलारा, बड़ा प्यारा सांवरा सलोना, बड़ा प्यारा है। तो वो तो आकाश के समान नीला है, कैसे करें? क्या बोले? आओ देखो, उसके हाथ में तो एक कंगन पहना दो और बाजू बंद पहना दो, यहाँ केहुनी के पास है, और एक मणि बांध, दोनों गले में एक माला पहना दो, कौस्तुभ मणि पहना दो, सिर पर मुकुट रख दो, नाक में फुलाक और चंदन की खौर लगा दो, है आकाश। अब देखो आपको सकल दिखने लगेगी, हो झट ध्यान आ जाएगा, गले में माला, कमर में करदनी, पांव में नूपुर पीतांबर, और रंजन रंजन ताता थे नाचे नंद कुमार है। ये जब आप देखोगे नाच का हाथ में बांसुरी, पीतांबर फहरा रहा, रंजन नूपुर बोल रहे और नाच रहा, आपको आकाश का ध्यान, नीले आकाश का ध्यान ऐसे नहीं होगा। लेकिन यदि आप उसको जेवर पहना दें तो मालूम पड़ेगा कि देखो यहाँ से पांव शुरू होता है, ये इस पर पीतांबर है, ये कमर है करधनी है, ये हाथ है कंगन है, ये गला है कौस्तुभ मणि है, ये नाक है गुलाक है, हैं? और ये महाराज ललाट है, वो गोरोचना का तिलक लगा हुआ है, अरे आंखें हिलती डोलती है, जरा मुस्कुराती है, आपका मन सर्वथा एकाग्र हो जाएगा। प्यार प्यार से देखिए,
नंद दुलारे को अपनी आंखों के सारे, और देखिए क्या आनंद आता है। तो इधर मजा भी आता है लीला का, और उधर बोध भी होता है ब्रह्मात्मैक का। सर्व वेदांत सारंजस ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम, यही भागवत का प्रतिपाद्य है। ओम शांति।